वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे मरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको एक साल पहले एक नॉर्मल बीमारी हुई थी, लेकिन उस मरीज ने उस बीमारी का जो सही इलाज होना चाहिए था वो सही इलाज नहीं कराया और उल्टी सीधी गोलियां खाता रहा, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उस मरीज को उस नॉर्मल बीमारी के कारण एक भयंकर बीमारी हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि उस मरीज को क्या नॉर्मल बीमारी थी, उसकी मैंने क्या जांचें कराई, उसको क्या भयंकर बीमारी आई। इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। तो भाइयों, ये मरीज एक पुरुष था, इसकी उम्र 30 साल की थी और इसकी शादी हो गई थी। भाइयों, जब ये मरीज मेरे पास आया तो उसके शरीर का वजन काफी कम हो गया था, शरीर में काफी कमजोरी आ गई थी, इसलिए मैंने इस मरीज को लेटा कर ही देखा था, क्योंकि इस मरीज पर बैठा नहीं जा रहा था। इस मरीज ने मुझे बताया कि इसने पिछले एक महीने से कुछ भी नहीं खाया है, हल्का फुल्का दलिया खा लेता है, भूख बिल्कुल कम हो गई है और इसका शरीर पूरा पीला पड़ गया था और इसके पेट में दर्द बना रहता था। उस समय से तो भाइयों, मैंने इस मरीज की हालत को देखकर इसका सबसे पहले पेट का अल्ट्रासाउंड कराया। भाइयों, इसके पेट के अल्ट्रासाउंड में इसके पित्ताशय के साथ इसके लीवर में एक गांठ आई। भाइयों, उस गांठ को देखकर मैंने इस मरीज की एक जांच कराई जो मैं आपको बताने जा रहा। इस मरीज का मैंने अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC टेस्ट कराया और भाइयों, जब ये जांच आई तो भाइयों, इस मरीज को इस जांच में कैंसर आया और कैंसर को देखकर रिपोर्ट में मैं काफी हैरान रह गया। फिर भाइयों, मैंने इस मरीज की कुछ जांचें कराई जो मैं आपको बताने जा। इसका मैंने CBC ब्लड टेस्ट कराया और LFT ब्लड टेस्ट कराया। तो भाइयों, इसके शरीर में काफी खून की कमी हो गई थी, हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था और पीलिया काफी बढ़ गया था, 9 हो गया था। तो भाइयों, ये सब कुछ कैंसर की वजह से हो गया था। तो भाइयों, मैंने इस मरीज से पूछा कि आपको जो ये परेशानी उस समय से हुई है, इससे पहले आपको कोई
और बीमारी तो नहीं थी, परेशानी तो नहीं थी। तो भाइयों, इस मरीज ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, इस समस्या के होने से 1 साल पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो डॉक्टर ने मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें मेरे पित्ताशय की थैली में पथरी आई थी। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने मुझे इसका ऑपरेशन कराने की सलाह दिया था, लेकिन मैंने पित्ताशय की थैली की पथरी का ऑपरेशन नहीं कराया और मैं काम करता रहता था। और जब पेट में दर्द होता था तो मैं दर्द की गोली खा लेता था परचूनी की दुकान से लेकर, और उस गोली को सालों तक खाता रहा। मुझे पीलिया बनने लग गया, मेरा शरीर पीला होने लग गया, भूख कम होने लग गई, वजन कम होने लग गया। तो गांव के कुछ लोगों ने कहा कि तुझे पीलिया बन रहा है तो देसी रोकड़ी खा ले या जादू टोना झाड़फूक करा ले। तो डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी देसी रोकड़ियाँ खाई, जादू टोना और झाड़फूक भी कराया, लेकिन मुझे फायदा नहीं मिला। और जब मेरा शरीर काफ़ी कमजोर हो गया, मेरे शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई, तो अब मैं आपके पास आया हूँ। तो भाइयों, उसकी बातों को सुनकर मैं काफी हैरान रह गया। तो भाइयों, इस मरीज को पित्ताशय की थैली में पथरी के होने से पित्ताशय का कैंसर हो गया था, और मैंने इसकी रिपोर्ट को पढ़कर इसको आगे रेफर कर दिया। और कुछ समय बाद जब इसके परिवार वाले मेरे पास दवा लेने आए, तो मैंने इस मरीज के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, उस मरीज की मौत आपके यहाँ से जाने के 10-15 दिनों बाद हो गई थी। तो भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है कि जिन लोगों को पीलिया की शिकायत हो जाती है, और वो सभी लोग बिना जांचों के झाड़ फूक कराते हैं, जादू टोना कराते हैं, देसी रोकड़ियां खाते हैं, दवा हकीमों के पास जाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आपको पीलिया किसी भयंकर बीमारी के कारण हो गया है और आप उसकी जांच नहीं कराएंगे, तो वो बीमारी बढ़ जाएगी और उस बीमारी के कारण आपकी मौत हो जाएगी। और जिन लोगों के पित्ताशय की थैली में पथरी हो जाती है, और वो पित्ताशय की थैली की पथरी को निकालने के लिए देसी रोकड़ियां खाते हैं, टट्टिया इलाज कराते हैं, बाबा हकीमों के पास जाते हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है और आपके पेट में बार बार दर्द बना रहता है, तो आप इसका तुरंत ही दूरबीन विधि से ऑपरेशन करा लें, क्योंकि 1% मरीजों में पित्ताशय की थैली में पथरी के फंसे रहने पर पित्ताशय का कैंसर हो जाता है। और भाइयों, एक बार पित्ताशय की थैली में कैंसर हो जाए, भाइयों, उस मरीज की मौत हो जाती है। भाइयों, जो मैंने आपको बताया ये सत्य घटना है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।